ओके फैसल, मुझे थोड़ा सा आपकी तरफ आने दीजिएगा। अभी अंबर नहीं बल्कि बात शुरू कर दी, मैंने थोड़ा आगे जाके जाना था चौधरी परवेज़ इलाही की, और जो कुछ इमरान खान साहब पहले कहते थे वो भी हमने देखा, और अब कर्टसी इतनी है कि आज 2.5 साल के बाद चौधरी शुजात की तीमारदारी करने गए, और फिर सिचुएशन जो है पंजाब की वो वहीं पर है, ना कोई प्लस माइनस नहीं हुआ। एक इंटरव्यू दिया प्राइम मिनिस्टर ने, उसके अंदर भी उन्होंने बिल्कुल सरसरी सी बात की। एक इंटरव्यू दिया परवेज़ इलाही ने, उन्होंने भी एक बिल्कुल सरसरी सी बात की। कोई जो मेरे ख्याल में आइस ब्रेकिंग थी वो नहीं हो पाई। डू यू एग्री ऑन दैट? असल में मामला ये है, और वो हमें समझ भी लेना चाहिए, आवाम को भी समझ लेना चाहिए, और वो बार बार वही राउंड दोहराया जाता है। जिस तरह से ममालिक के मफादात के तहत फॉरेन पॉलिसी चलती है, डिप्लोमेसी चलती है, इसी तरीके से सियासी जमातों के अंदर भी मफादात के तहत चलते हैं। मुख्तलिफ स्टेटमेंट आपको इमरान खान साहब के ऐसे ऐसे मिलेंगे, परवेज़ इलाही तो क्या पता नहीं किन किन से मुतालिक मिलेंगे जिनके साथ वो बैठे हैं। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से मुतालिक भी ऐसे ऐसे स्टेटमेंट, ऐसी ऐसी बयानात, ऐसी ऐसी चीजें प्रैक्टिकली नजर आएंगी। लेकिन जैसे मफादात सेम होते हैं तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आके मरियम साहिबा के पीछे खड़े हो जाते हैं, तो सिनेरियोस चेंज होते हैं इंटरेस्ट के ऊपर, और जैसे जैसे मफादात आते हैं और उनको हासिल करने की तरफ बढ़ते हैं तो फिर वो इमरान खान किया, तो वो जरदारी किया, तो वो नवाज शरीफ किया, तो मौलाना किया। आवाम को ये समझना चाहिए जैसे जैसे इनके मफादात एक दूसरे के करीब आते हैं, ये एक दूसरे से आई लव यू वाला प्रोग्राम शुरू कर देते हैं, हफ्ता है खुद खिला के शुरू करते हैं, और जैसे ही खिलाफ जाने शुरू होते हैं तो वैसे स्टेटमेंट खिलाफ आना शुरू हो जाते हैं। ये बार बार दोहराया जा रहा है मामला पंजाब की पॉलिटिक्स के अंदर, जिस तरह से हम देख रहे हैं, और आने वाले दिनों के अंदर भी जो बिलावल साहब ने बातें कही हुई है और रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर कही है, वो पंजाब को अगला अपना होम समझ रहे हैं, यानी कि आइंदा उनकी लड़ाई मुस्लिम लीग नून के साथ होने जा रही है। तो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल भी किस तरह से आएगा, वैसे भी कोर्ट्स बन रही है, 30 अदालतें भी बन रही है। चीफ जस्टिस ने 120 अदालतों के बारे में कहा है कि वो नैब कोर्ट्स बनाए गए हैं। 30 अदालतें जब बनेंगी तो वो 1226 रेफरेंसेस जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ अपने दौर में दर्ज करवाए थे और मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ दर्ज करवाए थे, वो चलने शुरू होंगे, ठीक है, इख्तलाफात बढ़ जाएंगे। इंटरेस्ट की लड़ाई है, इंटरेस्ट की लड़ाई है, बिल्कुल ठीक है।